गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये कक्षा 4 के विद्यार्थियों के लिए हिंदी का दूसरा वीडियो है। पिछले वीडियो में हमने आपकी पाठ्य पुस्तक गुलमोहर के पाठ एक अगर ये पल जाते यहीं ठहर से कविता वाचन, कठिन शब्द एवं भावार्थ किया था। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि इस पाठ के शब्दार्थ एवं पठित काव्यांश आपको पेरेंट पोर्टल में मिल जाएंगे। बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपने वो सब अब तक नोट डाउन कर लिया होगा, और अगर नहीं किया तो आप कठिन शब्द, शब्दार्थ एवं पठित काव्यांश नोट डाउन कर लीजिए। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे संज्ञा, व्याकरण भाग से संज्ञा, संज्ञा की परिभाषा उदाहरण सहित, संज्ञा के भेद, भेदों के उदाहरण, संज्ञा। सबसे पहले हम जानेंगे संज्ञा कहते किसे हैं। संज्ञा किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, जाति, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसा कि मैंने अपने परिभाषा में आपको बताया, संज्ञा की परिभाषा क्या है? किसी वस्तु, व्यक्ति, जाति और भाव संज्ञा कहते हैं। किसी वस्तु, किसी भी सामान, चाहे वो कोई भी सामान हो, उसके नाम को, व्यक्ति के नाम को, स्थान के नाम को, जाति के नाम को, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। वस्तु तो बच्चों आपको समझ आ ही गया होगा, कोई भी सामान, उसका अपना एक नाम होता है और वो शब्द संज्ञा शब्द कहलाता है। व्यक्ति, व्यक्ति मतलब सिर्फ इंसान नहीं, व्यक्ति, व्यक्ति मतलब कोई भी पर्टिकुलर चीज, कोई भी खास चीज। स्थान, स्थान यानी समझ सकते हैं आपका विद्यालय एक स्थान है, अस्पताल एक स्थान है, घर एक स्थान है, या कोई खास स्थान जैसे कि कोई शहर, आपके शहर का नाम है बोकारो, आगरा, दिल्ली, मुंबई इत्यादि। जाति, जाति मतलब पूरी जाति, शहर, शहर एक जाति है, गांव एक जाति है, सभी शहर को शहर कहा जाता है, सभी गांव को गांव कहा जाता है, लड़का, लड़की, फूल, पौधा और भाव। भाव मतलब जो हम फील कर सकते हैं, जो हम महसूस कर सकते हैं, वो होता है भाव। उन सभी के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे वस्तु का नाम मैं एक बता देती हूं, किताब, आप सभी के पास है, ये एक वस्तु है। व्यक्ति, व्यक्ति में मैं एक इंसान का नाम ले दे रही हूं, राम। स्थान, स्थान में मैं आप ही के शहर का नाम दे देती हूं, बोकारो। जाति, लड़का, भाव, मिठास। मिठास क्यों बेटा? क्योंकि मिठास को हम महसूस करते हैं, फील करते हैं। वस्तु का नाम दिया, व्यक्ति का नाम दिया, स्थान का नाम दिया, जाति का नाम दिया, भाव का नाम दिया। ये तो हो गई बेटा संज्ञा की परिभाषा। अब हम आगे बात करते हैं इसके भेद। भेद कितने होते हैं? संज्ञा के तीन भेद होते हैं, और वो क्या है संज्ञा के तीनों भेद? व्यक्तिवाचक,
संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी भी खास तरह के सामान, किसी भी खास स्थान, किसी भी खास व्यक्ति, पहाड़, ये सारे, किसी भी खास तरह की नदी, ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आती है। अगर मैं आपको कहूं बेटा बगीचे से एक फूल लेकर आओ, तो कोई भी फूल उठाकर ले आओगे। और फिर मैं कहूंगी नहीं 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 मुझे ये नहीं, मुझे तो गुलाब का फूल चाहिए था। तो ये शब्द गुलाब जब तक मैं नहीं बोलती, आपको समझ आता कि मैंने किस फूल को कहा है? किसी भी खास तरह की वस्तु, जैसे जैसे कि आपकी ये किताब, ये आपकी किताब है, हिंदी व्याकरण की किताब, और एक किताब आप सबके घरों में होगी, रामायण, गीता, बाइबल, कुरान। पर वो आप सभी किताब को रामायण, गीता, बाइबल या कुरान नहीं कह सकते, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे, क्योंकि वो एक खास तरह की किताब है। सभी नदियों को हम गंगा नदी नहीं कह सकते बेटा। गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, ये सभी खास तरह की नदियां हैं। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। जातिवाचक संज्ञा, सभी किताबें, सभी लड़के, सभी लड़कियां, सभी नदियां, सभी फूल, सभी पहाड़, यह जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। हम सभी पुरुषों को महात्मा गांधी नहीं कह सकते। महात्मा गांधी व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण, और कोई भी पुरुष जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, भाव, मैंने पहले ही कहा बेटा, जिसको हम महसूस कर सकते हैं शब्द से, उसके गुण, दशा या भाव का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि मिठास, बुढ़ापा, बचपन, कमजोरी, सुंदरता, ये सारे शब्द भाववाचक संज्ञा के उदाहरण। अंत में अब हम संज्ञा की परिभाषा व उनके भेदों को फिर से दोहराएंगे। बच्चों, आप इस वीडियो को पॉज करके संज्ञा की परिभाषा व उनके भेदों को अपनी कॉपी में लिख लें, अथवा आप पेरेंट पोर्टल से भी यह कार्य पूरा कर सकते हैं। आइए दोहराएं, संज्ञा की परिभाषा उदाहरण सहित लिखें। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, जाति और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे पुस्तक, आगरा, पहाड़, बुढ़ापा आदि। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, नाम लिखें। संज्ञा के तीन भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। संज्ञा के भेदों को उदाहरण देकर समझाएं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, राधा, हिमालय, गंगा, महात्मा गांधी। जातिवाचक संज्ञा, लड़की, पहाड़, नदी, शहर। भाववाचक संज्ञा, बचपन, बुढ़ापा, मिठास, सुंदरता। धन्यवाद।